नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मक्सी। शुक्रवार को पटेल मार्केट में स्वर्गीय श्री रामचंद्र पटेल की 11वीं पुण्यतिथि मनाकर कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया। आपको बता दें, स्वर्गीय श्री रामचंद्र पटेल मक्सी नगर परिषद के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष थे। लोग उन्हें भागीरथ के रूप में आज भी याद करते हैं। वे लखुंदर डैम से मक्सी के लिए नल जल योजना लेकर आए, जिससे आज भी मक्सी वासियों को पीने के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। उनकी दूरदर्शी सोच हमेशा याद की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार शरद रावल ने किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष चंद्र सिंह पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रमेश सेठ, मेहरबान सिंह पटेल, नानू पटेल, बाबू पटेल, टाइगर पटेल, दद्दू पटेल, रतन पटेल, प्रकाश जैन, शैलेंद्र श्रीमाल, रामेंद्र पटेल, डॉक्टर इलियास खान, आसिफ मेव, डॉक्टर सुरेंद्र भड़ाना, बाबू सिंह गुर्जर आदि उपस्थित थे। विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनमें से किसान हित की सबसे बड़ा कार्य मक्सी मंडी को सुंदर रूप से दर्जा दिलाना। इसलिए जब स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया साहब केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उस समय से उस लड़ाई शुरू हुई थी। करीब 5 साल तक सतत संघर्ष के पश्चात बेरछा मंडी से मक्सी मंडी को अलग करवाया गया, क्योंकि आय यहाँ से होती थी और धन सीधा बेरछा मंडी में जाकर जमा होता था और हम विकास कार्य से वंचित रह जाते थे। उस कार्य को पूर्ण किया। मक्सी के नवयुवकों को, युवा साथियों को, बच्चों को शायद इस बात का आवेदन हो या ना हो, सन 83 में जब हम कांग्रेस ने तारा ज्योति शर्मा विधायिका महोदय के निधन के पश्चात चुनाव घोषित हुए और जगदीप सिंह यादव यहाँ से विधायक के चुनाव कांग्रेस के लड़े और पटेल साहब ने सक्रिय भूमिका निभा करके और उस चुनाव में कांग्रेस को विजय बनाया। रामनाथ सेठ आदि जो बुजुर्ग कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो इस बात के प्रतिनिधि गवाह हैं। उस समय अर्जुन सिंह के साथ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था, पटेल साहब बताइए आपके मक्सी नगर के लिए क्या। तो पटेल साहब चाहते तो बहुत कुछ मांग सकते थे। दो दृष्टि उनकी बहुत तगड़ी थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वाभाविक रूप से चल के आएगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लड़के लाना पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो चीज़ मिल सकती थी उसको दरकिनार करते हुए मक्सी में कॉलेज की मांग की। मेरे बच्चे उज्जैन पढ़ने जाते हैं, मक्सी के शाजापुर पढ़ने जाते हैं, इस नगर के युवाओं के लिए एक नई दिशा की कॉलेज थी। तो उस समय काला पीपल और मक्सी दोनों का एक ही दिन कॉलेज की घोषणा हुई थी। स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी पटेल दादा की 11वीं पुण्यतिथि का आयोजन उनकी मूर्ति के समक्ष रखा गया था, जिसमें कांग्रेस परिवार के सभी वरिष्ठ जन, कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं उनके सभी चाहने वाले उपस्थित हुए थे। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और मैं पटेल परिवार की ओर से सौ दादा के चाहने वालों का, जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। 20 जनवरी को पूज्य पिताजी के स्मरण दिवस पर नगर के समस्त वरिष्ठ जन, कांग्रेस जन और सभी नगरवासियों ने आज श्रद्धांजलि सभा में सभी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करी। खबर समय जगत के लिए मक्सी से भरत पटेल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.